हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बार करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सालार को लेकर, और जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म कितना कलेक्शन करेगी आने वाले टाइम में। अब बात करूँ फिल्म को लेकर, तो फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं जाने माने डायरेक्टर प्रशांत नील, जो कि इससे पहले KGF जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म फ्रेंचाइजी दे चुके हैं, जिसमें आपको लीडिंग में नजर आई रॉकिंग स्टार यश। अब बात करूं मैं फिल्म को लेकर, तो ये फिल्म अब पोस्टपोन कर दी गई है 22 दिसंबर के लिए, और इस फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज़ हो चुके हैं 22 दिसंबर को लेकर, जिसमें आपको लीडिंग में नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। रेबल स्टार प्रभास का तो कहना ही क्या, उनके तो जलवे हजार हैं। अब बात करूँ मैं फिल्म को लेकर, तो फिल्म अल्टीमेट होगी, नेक्स्ट लेवल होगी, मल्टी स्टारर होगी, जो कि एक अपकमिंग गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसमें आपको दो पैरेलल रोल्स में नजर आएंगे प्रभास, एक बाप का तो दूसरा बेटे का। अगर बात करूँ मैं फिल्म को लेकर, तो फिल्म का बज़ काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये फिल्म पोस्टपोन हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ VFX। बताया जा रहा है कि फिल्म का कुछ प्री प्रोडक्शन वर्क बाकी था, जिसकी वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा। शूटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म के कुछ VFX के शॉट्स बाकी थे। बात करूँ मैं फिल्म को लेकर, तो उसका बजट है 350 करोड़ प्लस, जहाँ पर ये प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज़ होगी। और क्या लगता है, प्रशांत नील की फिल्म सालार में इतना बज है, इतना पोटेंशियल है कि फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दंगी को मात दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लग रहा है प्रशांत नील को भी, जिस तरह से उन्होंने 2018 में शाहरुख खान की फिल्म जीरो को बर्बाद किया था, उसी तरह से वो डंकी को भी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस बार उनको सामना हो रहा है बॉलीवुड सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ में। क्या लगता है आपको, सालार वाकई किंग की फिल्म डंकी को टक्कर दे पाएगी? और टक्कर देगी तो सालार अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़? ये बात तो कन्फर्म है कि फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करने वाली है, अच्छा खासा पोटेंशियल इसको मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा दूसरा कारण कि ये फिल्म डंकी के साथ ही क्लैश क्यों कर रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि प्रभास डर गए हैं शाहरुख खान का क्रेज़ देखकर, फैन बेस देखकर, इसलिए उन्होंने जवान के साथ रिलीज़ ना करते हुए सालार फिल्म को डंकी के साथ रिलीज़ करने का फैसला किया है।